नॉर्थ गुजरात एजुकेशन मुंबई संचालित अरविंद जीवाबाई प्राथमिक शाला धोरण 7 विषय हिंदी विषयांक पुनरावर्तन 2। निम्नलिखित शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। 1 है का गुजरात पावागढ़ गौरव। 2 उपयोगी पेड़ में मानव जीवन है। 3 चाहिए समय हमें खेलते रहना सावधान। 4 संगीत की लोगों हमें चाहिए सज्जन करनी। 5 अच्छी अपनी हमेशा बात योग्य चीज वस्तु ये है जगह रखना। सही उत्तर 1 पावागढ़ गुजरात का गौरव है। 2 मानव जीवन में पेड़ उपयोगी है। 3 खेलते समय हमें सावधान रहना चाहिए। 4 हमें सज्जन लोगों की संगति करनी चाहिए। 5 हमेशा अपनी चीज वस्तु ये योग्य जगह रखनी अच्छी बात है। निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। सारी स्थिति स्पष्ट थी। प्रजापति ने कहा, देवता ही श्रेष्ठ है, जानते हो क्यों? इसलिए कि इन्होंने सहकार की भावना से काम किया है। खुद भी खाओ और दूसरों को भी खिलाओ, जियो और जीने दो, वह थी इनकी विशेषता। इन्होंने बुद्धि से काम लिया, सूझबूझ दिखाई। वे आमने सामने बैठ गए, एक दूसरे के मुंह में लड्डू देते रहे, थोड़ी देर में थाल साफ कर दिया। उत्तर समग्र परिस्थिति स्पष्ट हती। प्रजापतिए कह्यू, देवताओ ज श्रेष्ठ छे, जाणो छो केम? एटला माटे के एमणे सहकारनी भावनाथी काम कर्यु छे। पोते पण खाओ अने बीजाने पण खवडाओ, जीवो अने जीववा दो, ते हती एमनी विशेषता। एमणे बुद्धिथी काम लीधुं, समझदारी बतावी, तेओ सामसामे बेसी गया, एकबीजाना मुखमां लाडो मुकता रह्या, थोड़ी ज वारमां थाळ खाली करी दीधो। निम्नलिखित अपूर्ण कहानी को अपने शब्दों में मौखिक एवं लिखित रूप में पूर्ण कीजिए। रामपुर नामक गांव था, उस गांव में भोलू नाम का एक लड़का रहता था। वह पढ़ाई करता था। एक दिन वह पाठशाला जा रहा था। रास्ते में उसे रेल की पटरियों को पार करना पड़ता था। उसने देखा कि रेल की पटरी एक जगह से उखड़ी हुई है। भोलू ने सोचा कि इससे तो बड़ी दुर्घटना हो सकती है। उसी समय रेलगाड़ी दूर से आ रही थी। भोलू ने उसे देखा। संयोग से भोलू ने उस दिन लाल कमीज पहनी हुई थी। तुरंत उसने सोचा, बच्चों अब आप रेलगाड़ी की दुर्घटना से बचाइए। उत्तर उसी समय रेलगाड़ी दूर से आ रही थी। भोलू ने उसे देखा। उसने सोचा, लाल झंडी दिखाने पर गाड़ी रुकती है, लेकिन यहाँ लाल झंडी, लाल कहाँ से लाए? संयोग से भोलू ने उस दिन लाल कमीज पहनी हुई थी। उसे एकाएक ख्याल आया कि उसकी कमीज भी लाल है। भोलू ने तुरंत अपनी कमीज निकाल कर झंडी की तरफ गाड़ी की ओर लहराई। लाल झंडी देखते ही ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। भोलू ने सारी बात ड्राइवर को बता दी। एक बड़ी दुर्घटना होते होते रह गई। यात्रियों की जान बचाने के कारण ड्राइवर ने उस लड़के को शाबाशी दी। सरकार ने उसे पुरस्कार देकर सम्मानित किया। निम्नलिखित वाक्यों में योग्य विराम चिन्ह का प्रयोग कर वाक्य फिर से लिखिए। सही उत्तर पेड़ परोपकारी होते हैं। 2 वाह कितना अच्छा गाना है। 3 छुट्टियों में आप कहाँ कहाँ घूमने जाते हैं। 4 गांधी जी को हम महात्मा कहते हैं। 5 वह पढ़ने में अच्छा है, खेल कूद में भी अव्वल है। 6 जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था। 7 दशरथ राजा के 4 पुत्र थे, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न। 8 आशीष दिन रात मेहनत करता है। सवाल हमारे, जवाब आपके और हंसी सबकी। पूछे गए प्रश्नों के ऐसे जवाब दीजिए कि मुस्कान के मोती बन जाए। 1 सूर्य न निकले तो क्या होगा। उत्तर सूर्य न निकले तो बिजली का बिल ज़्यादा आएगा। 2 सोने के लिए अधिक समय मिलेगा। 2 बारिश के बाद बिजली क्यों होती है। उत्तर बारिश को मारकर भगाने के लिए बारिश के बाद बिजली होती है। 3 अंग्रेज़ों ने भारत में पहला कदम रखा, फिर क्या किया।
उत्तर, अंग्रेजों ने भारत में पहला कदम रखा, फिर उन्होंने अपना दूसरा कदम रखा। चार, दादाजी के सिर के बाल सफ़ेद और मूछों के बाल काले क्यों है? उत्तर, दादाजी के सिर के बाल सफ़ेद और मूछों के बाल काले हैं क्योंकि सिर के बाल मूछों के बालों से लगभग 20 साल बड़े हैं। आपने टीवी दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले गम्मत गुलाल जैसे हास्य के कार्यक्रम देखे होंगे, उसमें सुने हुए चुटकुलों में से कोई एक अपनी भाषा में लिखिए। उत्तर, सुरेंद्र। नवीन, इंसान की नज़र ज़्यादा तेज है या जानवर की? नवीन, जानवर की। सुरेंद्र, यह तुम कैसे कह सकते हो? नवीन, क्या जानवर कभी चश्मा नहीं पहनते? निम्नलिखित विधानों का काल पहचान कर लिखिए। एक, बाग में कोयल बोलती है। बे, दारा ने अपना गृह कार्य पूर्ण किया। त्राण, मैं पूरी लगन से पढ़ूंगा। चार, मिट्टी से खुशबू आ रही है। पाँच, बाढ़ के कारण कई मकान गिर पड़े। छः, मैं डॉक्टर बनूंगा। उत्तर, एक, वर्तमान काल। बे, भूतकाल। त्राण, भविष्यकाल। चार, वर्तमान काल। पाँच, भूतकाल। छः, भविष्यकाल। निम्नलिखित शब्दों से उदाहरण के अनुसार वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल का एक एक वाक्य बनाइए। उदाहरण, पढ़ना। वर्तमान काल, मैं पढ़ता हूँ। भूतकाल, मैं पढ़ता था। भविष्यकाल, मैं पढ़ूंगा। खेलना, लिखना, दौड़ना। एक, खेलना। वर्तमान काल, मैं खेलता हूँ। भूतकाल, मैं खेलता था। भविष्यकाल, मैं खेलूंगा। बे, लिखना। वर्तमान काल, मैं लिखता हूँ। भूतकाल, मैं लिखता था। भविष्यकाल, मैं लिखूंगा। त्राण, दौड़ना। वर्तमान काल, मैं दौड़ता हूँ। भूतकाल, मैं दौड़ता था। भविष्यकाल, मैं दौड़ूंगा। आभार।